हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद हशम मेहदी और मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, तो हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, जिसमें हम कह सकते हैं एक है हमारा मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है प्लान या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अगर हम इसकी बात करें तो कहा जा रहा है कि इट रेफर्स टू द इकोनॉमी बाय विच ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। यानी अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो इस सेक्टर में जो आपका देखा जाए, इसमें जो होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही प्राइवेट ये आपका मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे ऑन करते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, यानी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं, इट मींस ऑल रिसोर्सेज आर ऑन बाय प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये हो गया, आपको हम दूसरे पेज पे भी कुछ और फीचर्स इसके बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जानते हैं इसके बारे में कि इनका जो मोटो होता है वो प्रॉफिट मोटो होता है। गवर्नमेंट जो होती है उसका क्या रोल होता है वो भी आप सुने। गवर्नमेंट जो होती है मार्केट इकोनॉमी में या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये सिर्फ मैनेज कर सकती है प्रोडक्शन को, उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और इसमें जो मार्जिन होता है यानी प्रोडक्शन जो होते हैं, वो इनका काफ़ी हाई मार्जिन रख करके प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे USA, UK और कैनेडा। बात कर लेते हैं दूसरा हमारा जो है इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी की बात करें तो इसको हम कहते हैं द सेंट्रली प्लान या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें अगर बात करें तो अब प्लान और सोशलिस्ट इकोनॉमी रेफर टू द इकोनॉमी बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट सेक्टर। यानी अंडरस्टूड है ये कि जो हमारा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और इनका मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है ये प्लान इकोनॉमी में ये गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार किए जाते हैं। और दूसरी बात, इनका जो मोटो होता है गवर्नमेंट का, वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर आप देख सकते हैं कि इनका जो, अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है और लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग होता है वो अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जैसे रशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्लान इकोनॉमी के। आगे बात कर लेते हैं तीसरा हमारा है जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हमारा भारत यानी इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका वगैरह है। बात करें मिक्स इकोनॉमी की, तो इसमें दोनों फीचर्स यानी दोनों विशेषताएं मौजूद होती हैं, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दोनों की। कैसे वो भी समझें, इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, वो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो जो इनका उद्देश्य होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है लोगों के लिए। ये प्रॉफिट मोटो इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, देखने के लिए कहा जाए और समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स को देखा जाए, तो इंडिया, पाकिस्तान और भूटान और श्रीलंका वगैरह इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। थैंक यू वेरी मच।